वीरभद्र में रहने वालों के लिए खुशखबरी है, खासतौर पर क्रिकेट खेलने वालों के लिए, क्रिकेटर्स के लिए। यहाँ पर आने वाले वक्त में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से क्रिकेट सेंटर शुरू किया जाने वाला है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और मीरा भाईंदर महानगर पालिका, इनके बीच इसको लेकर बातचीत हुई है। साथ ही साथ जो भी संवैधानिक नियम है, प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स है, उसको लेकर भी मंजूरी दी गई है। ऐसे में जब आने वाला वक्त होगा, यहाँ पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से भाईंदरपुर में बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में एक क्रिकेट सेंटर शुरू किया जाने वाला है। और इसी को लेकर हमने जो क्रिकेट फैंस है आशुतोष, उनसे जाना कि उन्हें क्या लगता है इस क्रिकेट सेंटर के बारे में। वीरा भाईंदर में बाला साहब ठाकरे ग्राउंड में क्रिकेट सेंटर शुरू किया जाएगा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कितना फायदा होगा, मतलब जो बच्चे हैं क्रिकेटर्स हैं उनके लिए? जैसे कि आपसे समझा है मेरे को, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन एक बहुत जाना माना नाम है, जिधर सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर्स पैदा हुए हैं। तो यही अगर क्लब हम लोग के इधर एरिया में स्टार्ट होता है, तो अपकमिंग बच्चे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में करियर करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड है, तो उन लोग के लिए अच्छा रहेगा, जो कि उनका टाइम स्पेंड हो रहा है लंबा जाने में तो वो कम होगा। या फिर कुछ बच्चे लोग हैं जिनका टैलेंट अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सक रहे कि ट्रैवलिंग करे यहाँ से, जो भी लंबा डिस्टेंस रहेगा, तो उन लोग के लिए अच्छा रहेगा। या फिर जो न्यू कमिंग कमर्स है, जो देखेंगे कि पास में स्पोर्ट्स क्लब खुल रहा है, तो वो भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, कि उन लोग के मन में भी क्यूरियोसिटी रहेगी कि हम लोग को यहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, यहाँ पर हम लोग कुछ ग्रो कर सकते हैं स्पोर्ट्स करियर में। तो ये थे आशुतोष, जिन्होंने इस क्रिकेट सेंटर के बारे में उनकी राय हमें बताई। आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्रिकेटर्स रहते हैं या जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उन्हें ट्रेनिंग के लिए आजाद मैदान शिवाजी पार्क जाना पड़ता है, और ये काफी लंबा सफर है। भविष्य में यहाँ पर क्रिकेट सेंटर शुरू होगा तो यहाँ पे रहने वाले खिलाड़ियों के लिए इससे बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और उनके लिए भी काफी कुछ आसान हो जाएगा। दिनेश शिंदे, मीरा भाईंदर, ब्लैक कैट न्यूज।